बिल्कुल सही बात है कि इस कोरोना काल में बहुत नुकसान हुए और उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं समझूं तो जो स्कूल हम नहीं चला पाए अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए, टीचर्स को बचाने के लिए, ये शायद सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज को हुआ है। लेकिन ये सब कुछ, ये जो हुआ है, कोई भी देश इससे बच के नहीं रहा, तो तसल्ली वाली बात नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि हमारी मजबूरी रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केसेस कम हो गए हैं, माहौल बेहतर हो रहा है, तो धीरे धीरे अब ये बात चल रही है कि किस तरह से हम स्कूलों को शुरू करें। आपको मालूम हुआ कि कुछ प्रदेशों ने स्कूलों को खोलना शुरू भी कर दिया है, खासकर बड़ी क्लासों को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य और बना रखिए, इतना वक्त निकल गया है और ये ऐसा स्टेप लेना पड़ा क्योंकि डर लगता था कि बच्चों को, बच्चे इसमें अगर पकड़ में आएंगे, बच्चों से फिर घर के बड़े लोगों को नुकसान होगा। तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ में इसको एहतियात के तरह लिया गया है, तो उसमें धैर्य रखिएगा और इतना जितना वक्त निकल गया है, अब थोड़ा वक्त अगर और लग भी जाए तो ये सारे हमारे इंटरेस्ट में है। और घर में बच्चों को जितना भी हम पढ़ा सकें, उनको साथ दे सकें, उनकी उदासी को संभाल सकें और मिलके उनको जहां जितना सीख सकते हैं बातचीत में, घर में के माहौल में, पड़ोस के माहौल में, उतना हम दें। और ये क्योंकि हमारे हमारे लार्जर इंटरेस्ट में है कि हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन अब टाइम आ रहा है कि हम स्कूल खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।